ये एग्जैक्टली मिरखीली जो ब्लॉग है उसकी तरह मिलता जुलता है। शाकिर भाई ये जगह का आपने क्या नाम बताया? गोजतांग। यहाँ पे जंगली अनार और काला अमलुक जो छोटा वाला होता है उसके काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह मालूम होती है ये। समाना से थोड़ा सा नीचे करके है, 5 मिनट मोटरसाइकिल पे लगते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग है। वाह क्या बात है भाई। नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। वाह सुभान अल्लाह। शाकिर भाई ये जगह का आपने क्या नाम बताया? गोजतांग। अच्छा समाना से थोड़ा सा नीचे करके ये जगह आती है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं समाना से और यहाँ पे थोड़ी सी रोड कंडीशन ऐसी है कि हर एक बंदा बाइक या गाड़ी पे नीचे नहीं आ सकता, तो 15-20 मिनट लगते हैं उस पॉइंट तक जाने में। एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग है ये, आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाते हैं यहाँ पे और इस तरह के पॉइंट्स डिवेलप हो रहे हैं। चलें आप हमारे साथ रहिएगा और देखिए ये पॉइंट आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। यहाँ पे जंगली अनार और काला अमलुक जो छोटा वाला होता है उसके काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पे। इस जगह को आगोज दरा कहते हैं या आगोज कुंजे कहते हैं। यहाँ पे एक चश्मा है, उस चश्मे की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रास्ता देख देख के। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह मालूम होती है ये। समाना से थोड़ा सा नीचे करके है, 5 मिनट तो मोटरसाइकिल पे लगते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग है। नासिर भाई यस सर, की हाल है? वो टपूस किधर है? टपूस वाह क्या बात है भाई। शाकिर भाई ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये चेक करें। अभी तक हमें बताया जाता था कि यहाँ पे चश्मे काफ़ी कम हैं लेकिन असल में अनएक्सप्लोर्ड भी हैं। ये चेक करें तो ये ऊपर से आता है पहाड़ों में से होके। ये एग्जैक्टली मिरखीली जो ब्लॉग है उसकी तरह मिलता जुलता है।
ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है बिल्कुल तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। वहाँ सामने आपको ये केव नज़र आ रहा होगा, तो हम कोशिश करते हैं इस केव तक पहुँचने की और वहाँ से सीनरी इंजॉय करते हैं। देखते हैं लारा जोड़ा था मना आगा मारो पकी मारो मार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है वाय आयो बंदी ये केव है सेड आवाज राजी केव में हम पहुंच गए और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमें बस बीटा उगोरा ओह ओह तबारा बीटा उगोरा वाह सुभान अल्लाह क्या बात है भाई अब सीधा का भी नहीं डलता।